नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, पांच अक्षरों का बना एक शब्द है साइरस, और साइरस के मायने हैं ईश्वर का रूप। साइरस का नाम इतिहास में बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन पर्शिया में इस नाम के कई राजा हुए हैं, जिनमें पांचवी शताब्दी के राजा साइरस द ग्रेट का नाम सबसे ऊपर है। यही वह राजा है जिसने बेबीलोन को जीत करके यहूदियों को आज़ादी दिलाई थी और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उसने जीता था। और आज टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को दिन में 3 बजे कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी दुर्घटना कार के डिवाइडर में टकराने की वजह से हुई, और जिन लोगों ने इस घटना को देखा कि साइरस मिस्त्री और उनके साथ कार में सवार 4 और लोग पालघर की तरफ जा रहे थे, तभी पुल के पहले बने डिवाइडर से टकरा करके उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जैसा कि अक्सर होता है, और वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिन लोगों ने इस घटना को देखा है, उन्होंने ये बताया कि कोई महिला गाड़ी चला रही थी और चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और कार में बैठे चार लोग थे, और साइरस मर्सिडीज कार से अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। इस एक्सीडेंट में सवार 2 और लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जिनमें एक साइरस है। इस घटना के जो टाइम है वो लगभग 3 बजे के आसपास का है, और इस मौत के बाद और भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। खैर, उन बातों पे बाद में चर्चा करेंगे। 23 नवंबर 2011 बुधवार की शाम 6 बजे के आसपास देश और दुनिया में एक बड़ी खबर एक सरप्राइज बनकर उभरती है। टाटा ग्रुप को एक नया उत्तराधिकारी मिल गया है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भावी मुखिया टाटा परिवार का ना हो करके एक आउटसाइडर है। और फिर अगले कुछ ही घंटों में 43 वर्षीय साइरस पॉलोजी मिस्त्री टाटा समूह के सबसे युवा चेयरमैन बन जाते हैं। साथ ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि साइरस ही 73 वर्षीय रतन टाटा का उत्तराधिकारी होंगे, और साइरस मिस्त्री को रतन टाटा का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद एकदम से उसी पल से टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में एकदम से उछाल आ गया था। टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उछाल आने के बाद पूरा बाजार पूंजीकरण के करीब 52 अरब रुपए बढ़ गया। मिस्त्री को 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2016 को मिस्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये जो पर्सनालिटी है साइरस मिस्त्री की, बहुत ही अलग, एक डायनामिक और दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति की है। टाटा ग्रुप के सर्वेसर्वा बनाए जाने की घोषणा के दूसरे ही दिन, जब साइरस टाटा के मुंबई स्थित मुख्यालय मुंबई में मुंबई हाउस पहुंचते हैं, तो वे एक बहुत ही नॉर्मल से कपड़ों में वो ड्रेसअप थे, जबकि उनका जो स्वागत करने वाले लोग थे वो एकदम सूटेड बूटेड थे। उनकी कमीज की बाहें मुड़ी हुई थी, बटन खुले हुए थे। हालांकि बॉम्बे हाउस साइरस के लिए कोई नई जगह नहीं थी, लेकिन टाटा सन्स के डिप्टी चेयरमैन के तौर पे मिस्त्री ने पहली बार वहां कदम रखा था। पिछले कई दशकों से सुर्खियों में रहने के बाद बावजूद रतन टाटा की शख्सियत जमीनी और शर्मीले व्यक्तित्व वाले इंसान की है। और ठीक इसी तरीके से साइरस मिस्त्री को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल रतन टाटा की तरह दिखते हैं। दोनों ही बहुत सरल स्वभाव के हैं, खासकर लोगों से मिलने जुलने की आदत में
काफी समानता है। मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली बड़ी हस्तियों के बच्चों में वो बहुत आसानी से पहचाने जाते थे और चमचमाती कारों में स्कूल भी आते थे, लेकिन अपनी क्लास में वो एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करते थे और अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल गंभीर रहते थे, पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते थे। रतन टाटा ने सारिस की नियुक्ति पर कहा था कि टाटा सन्स के डिप्टी चेयरमैन के रूप में सारस पी मिस्त्री का चयन एक अच्छा और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। वे अगस्त 2006 से ही टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं और मैं यानी कि रतन टाटा उनके गुणों से काफी प्रभावित हैं, इसी वजह से उन्हें इस प्रोफाइल पर रखा गया है। एक और बात है बड़ी उनसे जुड़ी हुई, रतन टाटा का उत्तराधिकारी चुनना टाटा सन्स के लिए काफी मुश्किल काम था, यूं कहिए कि बड़ा मशक्कत भरा काम था। अगस्त 2010 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी की खोज के लिए सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, इसमें खुद सायरस भी शामिल थे। इसमें शामिल सदस्यों ने सही व्यक्ति की खोज में दुनिया भर के कई चक्कर लगाए, दर्जनों बैठकें की और उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा चल रहे थे। इसके अलावा इंदिरा नूई समेत 14 अन्य लोग भी शामिल थे। इन सब के इंटरव्यू लिए गए, इनके कामकाज के तरीके परखे गए, अनुभव योग्यता को देखा गया, तब जाकर के सर्वसम्मति से सायरस को चुना गया। वैसे सायरस रिश्ते में तो नोएल टाटा के साले होते हैं। तो ये जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज दोपहर में ही एक कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। हालांकि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये कह दिया है कि इस सड़क दुर्घटना की वो पूरी जांच करवाएंगे। शायद से उनको लग रहा हो कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है। हालांकि ऐसी बातें फिलहाल टाटा ग्रुप्स की तरफ से अभी सामने नहीं आई हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप इसके बारे में ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।